गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ रीना जारवाल। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने माइक्रो प्रोसेसर की सब्जेक्ट में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो था RS-232। आज हम माइक्रो प्रोसेसर में RS-232 को ही कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम RS-232 के इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन एंड इसके पिन कनेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ दैट व्हाट इज RS-232। ओके, सो RS-232 इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन एंड इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइस टू allow serial data exchange between them. Generally, as it obtains the voltage for the path used for the data exchange between the device, it is used in serial communication up to 50 feet with the rate of 1.492 kbps. As EIA defines that RS-232 is used for connecting DTE and DCE. Basically, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि जनरली जो RS-232 है वो बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट DTE एंड डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCE को कनेक्ट करवाने के यूज में लिया जाता है. सो जनरली आज हम यही देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग नॉर्मली DTE एंड DCE का कनेक्शन करवाते हैं. सो बेसिकली मैं यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको जनरल इसके बीच का कम्युनिकेशन बता रही हूँ कि किस तरीके से इनके बीच में कनेक्शन होता है. सो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रांसमीटर ब्लॉक है दैट इज DTE, डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, एंड ये आपका रिसीवर ब्लॉक है DCE, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. जनरली यहाँ पर ये ग्राउंड, इसी तरीके से रिसीवर सेक्शन में भी ये ग्राउंड. बेसिकली ये एक ट्रांसमीटर सेक्शन है एंड ये एक रिसीवर सेक्शन है. सो मैं यहाँ पर ट्रांसमीटर जो यहाँ से ट्रांसमिट होगा बेसिकली इधर रिसीव किया जाएगा एंड सिमिलर वे में ये ट्रांसमीटर एंड ये रिसीवर. सो बेसिकली ये आपके पास जनरल एक बेसिक आप ये कह सकते हैं कि एक प्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से DTE और DCE कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो जनरली स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको अभी ये क्लियर कर देती हूँ दैट हाउ RS-232 वर्क्स. सो जनरली जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है RS-232 वर्क्स ऑन टू वे कम्युनिकेशन दैट एक्सचेंज डेटा टू वन अनदर. जैसा कि यहाँ भी ट्रांसमीटर है, यहाँ रिसीवर है, सिमिलर वे में यहाँ भी ट्रांसमीटर है और यहाँ रिसीवर है. सो बेसिकली इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन दैट एक्सचेंज डेटा टू वन अनदर. Generally, there are two devices connected to each other. First one is DTE and DCE. DTE is data transmission equipment and DCE is data communication equipment. And generally, basically, there are two devices that is connected to each other, DTE and DCE, which has the pins like TXD, RXD, RTS, and CTS. So now from DTE source the RTS generate the request to send the data. Means pehle DTE source ke through RTS request generate karta hai for sending the data, and then from the other side DCE the CTS clear the path for receiving the data. Then the bit are transmitted from DTE to DCE, and now again from DCE source the request can be generated by RTS and CTS of DTE source clear the path for receiving the data and gives the signal to send the data. This is the whole process through which
वी ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम डीटी टू डीसी एंड डीसी टू डीटी. सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक टू वे कम्युनिकेशन है. जब यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वहाँ रिसीव हो रहा है, वहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो यहाँ रिसीव हो रहा है. जनरली जो मैंने अभी आपको बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीटी सोर्स के थ्रू आरटीएस जनरेट होगा, जो कि रिक्वेस्ट टू सेंड रिक्वेस्ट जनरेट करेगा फॉर सेंडिंग द डेटा. एंड अदर साइड पे जो डी सी ई है वो सी टी एस एक्टिव कराएगा. सी टी एस मीन्स क्लियर द पाथ फॉर रिसीविंग द डेटा. सो बेसिकली आफ्टर क्लियरिंग द पाथ इट विल गिव अ सिग्नल टू आर टी एस ऑफ द डी टी एस सोर्स, देन द बिट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डी टी टू डी सी एंड इन सिमिलर वे नाउ अगेन फ्रॉम डी सी ई सोर्स द रिक्वेस्ट कैन बी जनरेटेड बाई आर टी एस एंड सी टी एस ऑफ द डी टी सोर्स क्लियर द पाथ फॉर रिसीविंग द डेटा. सो बेसिकली सेंड करने के लिए डेटा को आपको आर टी एस जो पिन है उसको एक्टिवेट कराना है. देन जो भी रिसीवर साइड पे होगा वो पहले तो पाथ को क्लियर करेगा एंड देन जो भी सिग्नल सेंड हुआ है उसको वो रिसीव कर लेगा. सो बेसिकली आप इन चार पिन्स के थ्रू आप नॉर्मली ये कह सकते हैं कि इन चार पिन्स के थ्रू आप टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं बिटवीन डी टी टू डी सी. अब ये जनरली जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आर एक्स डी है, आर टी एस है, टी एक्स डी है, तो नाम से वैसे आपको क्लियर हो गया है जैसा मैंने ऑपरेशन बताया है. बट एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ दैट यहाँ पर जो टी एक्स डी है वो एज अ ट्रांसमिटर वर्क कर रहा है, आर एक्स डी एज अ रिसीवर वर्क कर रहा है, देन आर टी एस इज डिफाइंड एज रिक्वेस्ट टू सेंड एंड सी टी एस इज डिफाइंड टू एज क्लियर टू सेंड. सो दीज आर द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दीज पिन्स. नाउ अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन की फॉर आर एस 232 दैट कि इनकी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या है. तो अभी हम वो देख लेते हैं. सो नाउ इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन फॉर RS-232. Okay, so let us discuss the electrical specification of RS-232. So first of all, voltage level. So RS-232 also used as ground and 5-volt level. Means a 5-volt level and ground ki taraf working mein aata hai. इन दिस बाइनरी जीरो वर्क्स विथ वोल्टेज अप टू +5 volt टू +15 volt VDC एंड इट इज कॉल्ड एज ऑन और स्पेसिंग. वेयर एज बाइनरी वन वर्क्स विथ वोल्टेज अप टू -5 volt टू -15 volt, सो इट इज कॉल्ड एज ऑफ और मार्किंग. मीन्स बेसिकली जो इसके वोल्टेज लेवल की अगर हम बात करें, सो हमारा जो RS-232 है वो 5-volt लेवल और ग्राउंड के साथ वर्क किया जाता है, यूज में लिया जाता है. तो बेसिकली जब बाइनरी जीरो वर्किंग में आता है तो जो जिसके साथ जिस वोल्टेज के साथ वो बाइनरी जीरो वर्क करता है दैट इज +5 volt टू 15 volt. एंड जनरली जो बाइनरी जीरो के साथ वर्किंग में है उसको हम लोग ऑन और स्पेसिंग कहते हैं. वेयर एज जब बाइनरी वन वर्किंग में आता है तो वो जो वोल्टेज होता है वो होता है -5 volt टू -15 volt एंड बेसिकली ये ऑफ और मार्किंग के थ्रू रेफरेंस में लिया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड सिग्नल वोल्टेज लेवल. रिसीव्ड सिग्नल वोल्टेज लेवल. ओके, सो जनरली इन दिस बाइनरी जीरो वर्क ऑन द रिसीव्ड सिग्नल वोल्टेज अप टू +3 volt टू +13 VDC एंड बाइनरी वन वर्क्स विद वोल्टेज अप टू -3 volt टू -13 VDC. सो बेसिकली दिस इज द रिसीव्ड सिग्नल वोल्टेज लेवल फॉर बाइनरी जीरो एंड बाइनरी वन. So for binary 0 it is from +3 volt to +13 and it is for binary 1 it is from -3 volt to -13 volt. Now next one is
लाइन इम्पीडेंस, लाइन इम्पीडेंस ओके। सो द इम्पीडेंस ऑफ वायर्स इज अप टू 3 ohm to 7 ohm एंड द मैक्सिमम केबल लेंथ आर 15 meter, बट न्यू मैक्सिमम लेंथ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो लाइन इम्पीडेंस है वायर्स का वो है 3 ohm to 7 ohm के अप्रोक्सीमेट, और जो केबल की लेंथ है वो है अराउंड 15 meter। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन वोल्टेज, ऑपरेशन वोल्टेज। सो जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइन इम्पीडेंस हो गया हमारे पास, रिसीव्ड सिग्नल का वोल्टेज लेवल हो गया, इसी तरीके से मेन वोल्टेज लेवल हो गया। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जो कि है ऑपरेशन वोल्टेज। सो जनरली जो ऑपरेशन वोल्टेज है विल बी 250 वोल्ट एसी एंड द करंट, नेक्स्ट वन इज करंट रेटिंग। सो करंट रेटिंग विल बी 3 एम्पियर। नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन इज डाइलेक्ट्रिक विथ स्टैंडिंग वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक विद स्टैंडिंग वोल्टेज सो ये हमारे पास अराउंड है 1000 VAC एंड देन इज स्ल्यू रेट। सो स्ल्यू रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल is termed as slew rate, means basically the rate of change of signal level is termed as slew rate, with its slew rate is up to 30 volt per microsecond, 30 volt per microsecond। and aap fir se main ek bar definition aapko fir se bata rahi hu that the rate of change of signal level in is termed as slew rate। so generally jo signal level ki rate of change hai wo generally slew rate hoti hai, ये अप्रोक्सीमेट होती है आपके पास 30 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। सो दीज आर द इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन फॉर RS-232। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम RS-232 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग इसका 25 पिन का जो कनेक्टर है उसकी पिन डिस्क्रिप्शंस को देखेंगे कि कौन सा पिन क्या वर्क करता है। एंड आज हमने पढ़ा है जनरली RS-232 की वर्किंग एंड इट्स इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। इफ़ किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है आज का जो मैंने पढ़ाया है, बट आप इसे ईजी गोइंग याद रख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ईजी है। सो अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।